नारायण नारायण। बड़े अचरज की बात है, मैं तो अपने नारायण को उनके अंशावतार की और माता को उनके शिशु की वीरता के लिए बधाई देने आया था, जिनका जन्म उनके कर कमलों से हुआ था। किंतु नारायण के मुख पर गंभीरता की छाया देखकर मैं कुछ कहने का साहस नहीं जुटा पा रहा हूं। माता, आप ही मुझे बताइए, आप दोनों इतने शोकाकुल क्यों हैं? क्या कहें देवर्षि, जिन हाथों में संसार के सर्वोत्तम शस्त्र इसलिए दिए जाएं कि वो मानव जाति की रक्षा का भार संभाल सकें, मानवता के रक्षक बन सकें, यदि वही हाथ भ्रष्टाचार और अनैतिकता के दलदल में धंस जाएं, तो क्या मन को दुख नहीं होगा? आज हम दोनों के सिर लज्जा से झुक गए हैं। आपके मुख से निकले हुए शब्द बहुमूल्य हैं माते, किंतु मैं इन शब्दों का अर्थ समझने में स्वयं को असमर्थ पा रहा हूं। आप किन हाथों की चर्चा कर रही हैं? अपने प्रपौत्र के हाथों की। आपका प्रपौत्र? माते, मैं अब भी नहीं समझ पा रहा हूं, आप किसके विषय में बात कर रही हैं? सहस्रार्जुन के विषय में, और किसके? ठहरिए माते, आप मुझको जितना शक्तिशाली समझ रही हैं, मैं उतना हूं नहीं। मुझे इस झटके से संभलने दीजिए। सहस्रार्जुन आपका पपौत्र है? मेरे लिए तो ये सूचना है माते। हाँ देवर्षि, ये बात बहुत कम लोगों को ज्ञात है। यूं तो मेरे कमल नयन बहुत ही कृपालु दयालु हैं, इनके मन में मेरे लिए अथाह प्रेम है। किंतु एक बार ये मुझसे क्रोधित हो गए और क्रोध में आकर इन्होंने मुझे अशुभ प्रजाति में जन्म लेने का श्राप दे दिया। फिर क्या हुआ माते? सो मैंने अशुभ प्रजाति में जन्म लिया, किंतु इनको भी मेरे बिना चैन कहां। थोड़े ही दिनों के पश्चात इन्होंने स्वयं भी अशुभ प्रजाति में जन्म लिया और मुझसे विवाह किया। नारायण नारायण, आज तो लग रहा है मेरे मस्तिष्क में भूकंप आ रहा है। ये मैं क्या सुन रहा हूं माते? ये सत्य है, विवाह के उपरांत हमारे एक पुत्र हुआ, कृतवीर्य। सहस्रार्जुन उसी कृतवीर्य का पुत्र है, तो फिर वो हमारा प्रपौत्र हुआ ना। इतने महान पिता का इतना आतताई पुत्र, यही तो दुख की बात है देवर्षि। सहस्रार्जुन आरंभ में बहुत सुशील और चरित्रवान था, परंतु जैसे ही मैंने दत्तात्रेय के रूप में उसे सहस्रबाहु होने का वरदान दिया, उसने तो अपने जीवन का मार्ग ही परिवर्तित कर दिया। सर्वेश्वर ने उसे सहस्रबाहु इसलिए दिए थे कि वो अपने सहस्र हाथों से मानवता की रक्षा करेगा, किंतु उसने अपने हाथों में ऐसे शस्त्र थाम लिए जिनमें अनैतिकता भ्रष्टाचार और अन्याय की दुर्गंध बसी हुई थी। ऐसे अत्याचारियों का तो अंत होना ही चाहिए। वो तो होकर रहेगा, किंतु दुख की बात यह है देवर्षि कि उसका अंत स्वयं मुझे करना होगा। कितना दुर्भाग्य है ना देवर्षि कि अपनों को अपनों के ही हाथों दंड मिलेगा। किंतु मैं कर भी क्या सकता हूं, उसने जमदग्नि जैसे महान ऋषि को कष्ट दिया, समस्त ऋषिगण का जीवन नरक बना दिया, विद्यार्थियों का जीना दूभर कर दिया। मुझे उसका वध तो करना ही होगा। हे देवर्षि, जिस प्रकार शरीर का कोई भाग यदि सड़ जाए तो समस्त शरीर को बचाने के लिए उस भाग को काटना ही पड़ता है, उसी प्रकार यदि घर के दीपक से ही घर को आग लग जाने का संकट हो तो उस दीपक को अपने ही हाथों बुझाना भी पड़ता है। मुझे सहस्रार्जुन का वध करना ही होगा। और देवर्षि, सिद्धांत रूप में तो आवश्यकता पड़ने पर मैं स्वयं अपना वध भी कर सकता हूं। और आज तो अंतिम निर्णायक युद्ध है। हां महादेवी, जब क्षत्रियों ने अपना कर्म छोड़ दिया तो भार्गवों को भी अपना धर्म छोड़ने पर विवश होना ही पड़ेगा।
हे सर्वेश्वर, आपकी लीला अपरंपार है। नारायण नारायण। हे सर्वेश्वर, ये दृश्य तो मैं पहली बार देख रही हूँ कि कोई पुत्र अपने माता पिता का तर्पण जल के स्थान पर रक्त से कर रहा है। यदि ये परंपरा बनी तो मानव का क्या होगा, संस्कृति का क्या होगा? महादेवी, ये दृश्य देखने में क्रूर अवश्य लगता है, परंतु तनिक सोचिए उस पुत्र की मनस्थिति क्या होगी जिसके माता पिता, मित्र, आचार्य और एक निर्दोष कोमल कन्या को निर्ममता से मार दिया गया हो। मैं भी यही समझती हूँ कमल नयन, कि सारा किया धरा सहस्रार्जुन का है। उसने तो अन्याय की हर सीमा लांघ ली है, परंतु हे सर्वेश्वर, सहस्रार्जुन को सहस्र बाहुओं का बल आप ही ने प्रदान किया था ना? हाँ महादेवी, पर सहस्र बाहुओं का बल मैंने उसे क्यों दिया था ये तो वो भी जानता था और आप भी जानती हैं। मानव की यही दुर्बलता है महादेवी, कि वो कभी कभी अपने वरदान का ऐसा दुरुपयोग करता है कि वरदान देने वाला अपनी देन पर पछताने लगता है। और इसका एक ही उपाय है महादेवी, कि मानव को अपने जीवन में इतनी शक्ति दी ही न जाए कि वो दूसरों के लिए अभिशाप बन जाए और मुझे हस्तक्षेप करना पड़े। मैं भी यही कह रही थी जगदीश्वर, मानव को ईश्वर ने सद्बुद्धि दी, जीवन के नियम बताए, न्याय अन्याय, धर्म अधर्म, सत्य असत्य, उजाले अंधेरे की पहचान करा दी, उसे हर रूप से संपूर्ण बनाया। फिर ऐसा क्यों होता है कि हर बार आपको हस्तक्षेप करना पड़ता है? महादेवी, जिस प्रकार सारे घर में उजाला फैलाने वाला दीपक चाहते हुए भी अपने ही पैरों तले का अंधेरा नहीं मिटा सकता, उसी प्रकार समस्त शक्तियों से संपन्न होने के उपरांत भी मानव अपने ही भीतर की दुर्बलता पर अंकुश नहीं रख पाता। मानव की दुर्बलता यह है महादेवी, कि शक्ति पाते ही वो ये सिद्ध करने पर उतर आता है कि जो शक्ति उसके पास है वो किसी और के पास नहीं है, और इसे सिद्ध करने में वो उसी प्रकार अहंकार के जाल में फंस जाता है जिस प्रकार एक पंछी बहेलिए के जाल में फंस जाता है, और फिर जिस प्रकार भोर दोपहर में, दोपहर संध्या में और संध्या रात्रि में परिवर्तित हो जाती है, उसी प्रकार अहंकार अन्याय में, अन्याय अत्याचार में और अत्याचार निर्ममता में परिवर्तित हो जाता है। और तब आपका हस्तक्षेप न करना असंभव हो जाता है। हाँ महादेवी, और फिर मानव की आत्मा से दुखी पुकार उठती है जिसे सुनकर मैं अपने पग रोक नहीं पाता। कमल नयन, आप पग नहीं उठाएंगे तो अनर्थ हो जाएगा। आत्मा की दुखी पुकार परमात्मा ने सुनी तो मानव की आस्था टूट जाएगी, विश्वास चूर चूर हो जाएगा, तम और अन्याय की शक्तियों की विजय हो जाएगी। मानव की तो आप संकट मोचन हैं, सहायक हैं, अंतिम आश्रय हैं। मुझे अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया देवेश्वर। हे कमल नयन, आपकी कृपा से परशुराम का अभियान सफलतापूर्वक समाप्त हो गया। यह अभियान क्या था महादेवी? रक्त का एक सागर था जिसमें डूब कर जाना था, और परशुराम ने सागर को डूब कर ही पार किया है। किंतु हे कमल नयन, परशुराम ने शिव भक्त रावण को धनुष न देकर जनक को दिया, क्या ही पक्षपात नहीं हुआ? कदापि नहीं महादेवी। आपने सुना नहीं परशुराम ने मापदंड क्या बनाया था? परशुराम ने सर्वधर्म समभाव को मापदंड बनाया था। उसने देखा कि रावण एक शिव भक्त होते हुए भी उदार नहीं है, सहनशील नहीं है, वो दूसरों के मत और विचारों को सहन नहीं करता, जबकि जनक के राज्य में सभी को अपने अपने धर्म और मत के पालन करने की स्वतंत्रता है, वहां धर्म का भेदभाव नहीं है, और शिव धनुष जैसी पवित्र वस्तु के लिए वही स्थान उचित है महादेवी जहां किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, जहां सारे धर्मों का और भक्तों का आदर किया जाता हो। आपने सर्वथा सत्य कहा कमल नयन, अपनी आस्था पर चलने का अर्थ दूसरों की आस्था को नकारना नहीं होता। रावण में तनिक भी सहनशीलता नहीं है, वो अपने आगे किसी और को कुछ समझता ही नहीं, विद्वान होकर भी अपने कर्म से असुर है। सत्य है।
महादेवी, मैं आपकी भावना को समझ रहा हूं और उसका आदर भी करता हूं। मैं जानता हूं कि श्रवण और उसके माता पिता की मृत्यु ने आपके हृदय को एक गहरा आघात पहुंचाया है, किंतु महादेवी, धीरज धरने के अतिरिक्त और किया ही क्या जा सकता है? कैसे धीरज धरूं, जब मैं ऐसी संतान जन्म ही कहां लेती है? माता पिता का ऐसा भक्त प्रतिदिन तो जन्म नहीं ले सकता। बेचारा श्रवण कल तक एक सत्य था और आज एक कहानी बन चुका है। किंतु यह सुंदर कहानी संसार कभी भूल ही नहीं पाएगा महादेवी, एक ऐसी कहानी जो हर पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को उदाहरण के रूप में सदैव सुनाती रहेगी, जो संसार को सदैव प्रेरणा देती रहेगी और हर संतान को अपने माता पिता की सेवा का उचित मार्ग दिखाएगी। ये सत्य है कमल नयन, किंतु मुझे ये देखकर और भी दुख हुआ कि पुत्र की मृत्यु का समाचार माता पिता एक क्षण के लिए भी सहन नहीं कर सके। इसमें विधाता का क्या खेल है? हाँ देवी, वैसे तो तीन तीन मृत्यु की घटनाएं देखने में बड़ी क्रूर दिखती हैं, परंतु यदि ध्यान से देखा जाए तो यह विधाता का खेल नहीं दिखता, यह तो विधाता का एक सोचा समझा हुआ निर्णय दिखाई देता है। महादेवी, मैं समझी नहीं सर्वेश्वर। महादेवी, यदि पुत्र की मृत्यु के उपरांत नेत्रहीन माता पिता जीवित रह जाते तो कदाचित उनका जीवन और अधिक दुखमय हो जाता, या जाने उन्हें कब तक भटकना पड़ता, द्वार द्वार की ठोकरें खानी पड़ती। हे महादेवी, विधाता ने उन्हें इन समस्त संभाव्य संकटों से बचा लिया। किंतु अयोध्या नरेश दशरथ ने यह वचन दिया था कि वो श्रवण कुमार के माता पिता को तीर्थ यात्रा कराएंगे, आश्रम देंगे, एक पुत्र की भांति उनकी सेवा करेंगे। जानता हूं महादेवी, जानता हूं कि दशरथ दयालु हैं, न्यायप्रिय हैं, वचन निभाने को अपना धर्म समझते हैं, परंतु यह भी उतना ही सत्य है महादेवी कि एक पुत्र का स्थान कोई और ले ही नहीं सकता। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा था महादेवी कि विधाता ने जो भी किया उचित ही किया। अब तो मुझे भी यही लगता है कि संभवतः यही ठीक हुआ, परंतु हे कमल नयन, एक चिंता अभी भी मेरे मन को घेरे हुए है। क्या मैं आपकी चिंता का भागीदार बन सकता हूं महादेवी? आपके अतिरिक्त और कौन बन सकता है? कमल नयन, मुझे चिंता ये है कि बिना सोचे समझे शस्त्रों का प्रयोग करना कहीं मानव की प्रवृत्ति न बन जाए। मैं समझ गया महादेवी, आपका संकेत महाराज दशरथ के उस शब्द भेदी बाण की ओर है जो श्रवण कुमार की मृत्यु का कारण बना। मैं भी यही कहना चाहती थी कमल नयन। महादेवी, जब तक मानव ये नहीं समझ जाता कि शस्त्रों का सर्वप्रथम कार्य आत्मरक्षा है, दूसरों पर आक्रमण करना नहीं, तब तक ऐसी घटनाएं घटती ही रहेंगी। और महादेवी, यदि शस्त्र ऐसा हो जो लक्ष्य को देखे बिना ही चलाया जाता हो, तब तो मनुष्य को और भी सतर्क रहना चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि ऐसे घातक शस्त्रों से जितनी दूर रहा जाए उतना ही अच्छा है। मैं आपसे सर्वथा सहमत हूँ महादेवी, दशरथ को भविष्य में और भी सतर्क रहना होगा। हे कमल नयन, देखिए दुष्ट रावण क्या कह रहा है, वो मृत्यु को बंदी बनाने की बात कर रहा है। महादेवी, आपको तो स्मरण होना चाहिए कि रावण से पहले भी कई और दुष्ट यही ललकार दे चुके हैं, उनका क्या परिणाम हुआ? किंतु रावण तो सारे संसार पर अपनी पताका फहराने की बात कर रहा है, विश्व विजेता बनना चाहता है। ये स्वप्न भी कईयों ने देखा है और कदाचित सदा के लिए देखते भी रहेंगे, किंतु महादेवी ये मत भूलिए कि स्वप्न केवल बंद नेत्रों से देखे जाते हैं, फिर वो नेत्र चाहे मुख पर जड़े हुए नेत्र हो या अपने विवेक के नेत्र हो, किंतु जब नेत्र खुल जाते हैं महादेवी तो स्वप्न टूटकर बिखर जाते हैं। मुझे स्वयं के आश्चर्य हो रहा है कि वो अपनी सीमाओं के विस्तार की बात करके संकट को क्यों बुलावा दे रहा है। वो मंदोदरी की तर्कपूर्ण बातों को भी अनसुनी करने पर तुला हुआ है। महादेवी, विनाश काले विपरीत बुद्धि, रावण जैसे व्यक्ति यदि किसी की तर्कपूर्ण बातों को मान ले तो उनका भाग्य लेख बदल न जाए, किंतु आप तो जानती हैं महादेवी कि भाग्य का लेख कदापि नहीं बदल सकता। परंतु हे कमल नयन, यदि किसी का राज्य संसार के एक छोर से दूसरे छोर तक फैला हुआ हो परंतु उसकी प्रजा दुख
और अन्याय की चक्की में पिस रही हो तो क्या उसे संतोष मिल सकता है? कदापि नहीं महादेवी। तो फिर क्या सीमा विस्तार की विचारधारा अनुचित नहीं है? सर्वथा अनुचित है महादेवी। ईश्वर ने धरती मानव के रहने के लिए दी है, फिर ईश्वर ने भिन्न भिन्न क्षेत्रों को भिन्न भिन्न भाषाएं दी, वेशभूषा दी, खान पान दिया, ताकि उन सब क्षेत्रों की पहचान बनी रहे। और ये नियम भी बनाया कि अब अपने अपने क्षेत्रों में रहें और शांति से रहें, एक दूसरे के जीवन में अकारण हस्तक्षेप न करें। सत्य कहा आपने, सबको अपनी सीमाओं में अपने ढंग से रहने की स्वतंत्रता है। राज्य विस्तार, सीमा विस्तार, विचारधारा का विस्तार, महादेवी ये सब अप्राकृतिक और अनैतिक स्थितियां हैं। रावण तो असुर संस्कृति को मानने वाला है, यज्ञ संस्कृति का विरोधी है वो, इसलिए वो यही सब करेगा। किंतु हे महादेवी, एक दिन उसे इस सब का दुष्परिणाम अवश्य भोगना पड़ेगा। चिंतन में डूबी हुई दिखाई दे रही है महादेवी। किस समस्या ने आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रखा है? कुछ नहीं कमलनयन, मैं अयोध्या नरेश दशरथ के भाग्य की विडंबना के विषय में सोच रही थी। विडंबना? विडंबना कैसी महादेवी? इस क्षण तो उनके जीवन रूपी सागर में सुख का ज्वार आया हुआ है। उन्हें कौशल्या और सुमित्रा जैसी देवियों का साथ तो प्राप्त था ही, अब देवी कैकेयी जैसी वीर सुंदर और साहसी स्त्री उनके जीवन में सुख का संदेश लेकर आई है। सुख का संदेश? तो क्या आप भी कौशल्या सुमित्रा की भांति यही समझती हैं कि कैकेयी राजा दशरथ को वो दे सकेगी जो वे दोनों न दे सकी? कैकेयी राजा दशरथ को संतान दे पाती है अथवा नहीं, ये तो केवल विधाता जानते हैं महादेवी, परंतु इसमें चिंता की क्या बात है? मुझे चिंता है सर्वेश्वर, मुझे चिंता है। यदि दशरथ को संतान नहीं मिलती है तो उन्होंने आज जिस सुख का अनुभव किया वो क्षणिक सिद्ध होगा, और यदि उन्हें संतान मिलती है तो श्रवण के माता पिता का श्राप उनकी ताक में है। आपकी चिंता सर्वथा उचित है महादेवी। श्रवण के माता पिता का श्राप उनके दुखी हृदय की पुकार था, और आप तो जानती हैं महादेवी कि दुखी हृदय की पुकार अपना रंग दिखाए बिना नहीं रहती। तो क्या श्रवण के माता पिता का श्राप ही किसी नई कहानी का कारण बन जाएगा? महादेवी, जिस शंका ने आपके मस्तिष्क में सिर उठाया है वो सर्वथा निराधार नहीं है। प्रकृति की लीला बड़ी विचित्र होती है महादेवी। देखिए ना, यदि प्रकृति को बंजर धरती पर भी पौधा उगाना होता है तो वो वायु के हथेली में छुपाकर एक बीज भेज देती है, और देखने वाले आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि इस बंजर धरती पर एक हरा भरा वृक्ष कहां से आ गया। हे कमलनयन, तो क्या वास्तव में वही श्राप राजा दशरथ के जीवन में संतान सुख का कारण बन जाएगा? इसका ज्ञान भी विधाता को ही है महादेवी, परंतु हां मैं आपको एक बात अवश्य बता दूं। बताइए। महादेवी, हर कथा का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है, हर घटना का कोई ना कोई आधार अवश्य होता है, और हर अनहोनी किसी न किसी विशेष परिस्थिति में ही जन्म ले सकती है। महादेवी, वो कारण कभी कभी अपने ही पास होता है तो दिखाई देता है, तो कभी इतना दूर होता है कि उसे देखना संभव ही नहीं होता। हे सर्वेश्वर, आपकी बात पूर्ण रूप से मेरी समझ में नहीं आई। महादेवी, कभी कभी होने वाली घटनाओं का कारण घटना स्थल से दूर होना भी तो संभव होता है। यूं समझिए कि कभी कभी धरती पर जो घटनाएं घटती हैं उनका कारण दूर नभमंडल और अंतरिक्ष में होने वाली हलचल होती है। आज वही हो रहा है। क्या हो रहा है कमलनयन, और कहां हो रहा है? महादेवी, अयोध्या में जो कथा जन्म लेने वाली है उसका कारण अयोध्या से बहुत दूर लंका में बन रहा है। लंका में? हां महादेवी, लंका में, लंका नरेश रावण के घर में।